The infinite library of the universe is in our own mind. Hello learners, how are you all? Hope you are doing great. Welcome back to our YouTube channel, The Intent Learner. This is the 48th part of our antonym series. ये जो सीरीज चल रही हैं एंटोनिम्स सिनोनिम्स वन वर्ड्स होमोफोन्स एटम्स एंड फेजेस ये सारी सीरीज मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस की सीरीज हैं जो बच्चे क्लास 11th एंड क्लास 12th में पढ़ते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप पेपर में फुल मार्क्स लाना चाहते हैं वोकैबुलरी में तो आप इन सीरीज़ को फॉलो कर लीजिए और आपको इनके बाद किसी भी बुक्स को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर इन क्वेश्चंस को नोट कर लेते हैं और रिवाइज करते हैं टाइम टू टाइम तो आपको पेपर में इन्हीं में से कोई ना कोई दिखेगा। तो चलिए देखते हैं हमारे थ्री वर्ड्स। देखिए पहला वर्ड है ज़ील, दूसरा वर्ड है ज़िगज़ैग एंड थर्ड वर्ड इज़ वॉयलेंट। ज़ील का मतलब होता है उत्साह और सेकेंड वर्ड है ज़िगज़ैग, ज़िगज़ैग का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा और थर्ड वर्ड है वॉयलेंट, वॉयलेंट का मतलब होता है हिंसात्मक। चलिए अब इन तीनों वर्ड्स के लिए हम एंटोनिम्स भी डिस्कस कर लेते हैं। हमारा फर्स्ट वर्ड है ज़ील, ज़ील का मतलब अभी बताया गया उत्साह और आप इसके लिए एंटोनिम वर्ड यूज़ कर सकते हैं इनडिफरेंस, इनडिफरेंस। चलिए देखते हैं सेकंड वर्ड जो कि है ज़िगज़ैग, ज़िगज़ैग का मतलब बताया गया टेढ़ा मेढ़ा और आप इसके लिए एंटोनिम वर्ड यूज़ कर सकते हैं स्ट्रेट। टेढ़े मेढ़े का एंटोनिम यानी कि अपोजिट वर्ड क्या होगा स्ट्रेट, इसका मतलब क्या होता है सीधा। थर्ड वर्ड देखते हैं वॉयलेंट, थर्ड वर्ड है वॉयलेंट, वॉयलेंट का मतलब हिंसात्मक, इसके लिए आप एंटोनिम वर्ड यूज़ कर सकते हैं नॉन वॉयलेंट, नॉन वॉयलेंट का मतलब होता है अहिंसात्मक। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसा ही लर्निंग वीडियोज़ के लिए चैनल द इंटेंट लर्नर को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू। Thank you.